अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक को लेकर। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने बयान करेंगे एक ऐसे शहर के बारे में कि जहां पहले हजारों लाखों अफराद बसते थे, लेकिन बाद में वो शहर खंडार में तब्दील हो गया। आइए जानते हैं उस शहर के बारे में। जब माहिरीन ने सल्तनत रोम के एक पुराने शहर की दरियाफ्त की तो उनको मालूम नहीं था कि ये कौन सा शहर है, समंदर के नीचे शहर क्या कर रहा है और ये शहर कैसे बना हुआ है। पहले तो ये एक मुअम्मा रहा, बाद में तहकीक से पता चला कि रोम का बहुत ही पुराना शहर पोम्पाई शहर है। इसकी तबाही एक जलजले और आतिशफशां पहाड़ के फटने से हुई। माहिरीन ने उसकी जांच पड़ताल की तो मालूम हुआ कि यह शहर बदफेलियों के लिए मशहूर था। यहाँ जिस फरोशी आम थी, लोग अखलाक के दायरे से गिर चुके थे और उनमें जायज और नाजायज का तस्वीर ही नहीं था। यहाँ जिस फरोशी के अड्डे आम हो चुके थे, लोग दूर दूर से लोग यहाँ आते थे। जब उससे कुछ आसार मिले तो उसको जदीद रिसर्च सेंटर भेजा गया। ये आसार यहाँ के दीवारों और दीगर इमारतों के हिस्से थे। उस पर कदीम रोम के जबान में लिखाई हुई थी। जब उसकी लिखाई का तर्जुमा किया गया तो मालूम हुआ कि उन पर बेहुदा अशआर लिखे गए हैं, जिनसे उस कौम की अखलाकियात, तहजीब और सकाफत का अंदाजा लगाया जा सकता था। सल्तनत रोम का शहर पोम्पाई भी लूत अलैहिस्सलाम की कौम जैसी बदफेलियों का शिकार था और उनका अंजाम भी लूत अलैहिस्सलाम की कौम जैसा हुआ। इस शहर की तबाही एक आतिशफशां पहाड़ के फटने से हुई और इससे निकलने वाले लावे ने शहर को मकीनों को अपनी लपेट में ले लिया। ये तबाही इतनी शदीद और अचानक थी कि आयन दिन के वक्त जिंदगी उसकी लपेट में आ गई और आज भी उसके आसार उसी तरह मौजूद हैं। ऐसा मालूम होता है कि वक्त के धारे को मुंजमद कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में दी गई तस्वीरें किसी मुजस्मा साज का फन नहीं, बल्कि पोम्पाई शहर के वो बासी हैं जो आतिशफशां का शोर सुनकर भी फरार न हो सके। शहर की खुदाई के दौरान एक ऐसा खानदान भी दरियाफ्त किया गया जो खाना खा रहा था और इसी हालत में उन्हें अजाब ने आ घेरा और उनके साथ उनका खाना और खाने के बर्तन भी पत्थर में तब्दील हो गए। खुदाई से निकलने वाले अक्सर चेहरे सही और सालिम हैं और उनके चेहरे पे बौखलाहट, खौफ और परेशानी आया है। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो से आपको ये मालूम हो गया होगा कि अगर कोई भी शहर, अगर बदफेली के अड्डे वहाँ पर आम हो जाएं तो वो शहर खंडार में तब्दील हो जाता है। नाजरीन इकराम, अब हमें दीजिए इजाजत, फिर हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। फकत वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।